की आपराधिक घटनाओं को देखते हुए जंगल राज आ गया? देखिए, जो खुद जंगल राज के सृजन करने वाले लोग हैं उनके मुंह से ये भाषा अच्छी नहीं लगती। सरकार की तरफ से सख्त निर्देश है कि आपराधिक घटनाओं में चाहे दोषी कोई भी हो उन पर त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई की। बड़ी नीति है ये शिक्षा के संदर्भ में, और हमको लगता है कि एनडीए के सभी घटक दल आपस में विचार विमर्श करके और इस नीति पर अपना रुख स्पष्ट करेंगे। कांग्रेस पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। हुलास पांडे जी, लगातार विपक्ष के नेता बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटना घट रही है उसको लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपराधिक घटनाओं को देखते हुए जंगल राज आ गया है। देखिए, जो खुद जंगल राज के सृजन करने वाले लोग हैं उनके मुंह से ये भाषा अच्छी नहीं लगती है। जहां एक तरफ उनके कार्यकाल को देखेंगे और पूरे प्रशासनिक डेटा को देखेंगे तो कभी भी दोनों में कोई समानता नहीं है, और जहां भी छिटपुट घटनाएं होती हैं वहां प्रशासन के लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं, और सरकार की तरफ से सख्त निर्देश है कि आपराधिक घटनाओं में चाहे दोषी कोई भी हो उन पर त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। उल्लास जी, लगातार नीट पेपर लीक मामले को लेकर संजीव मुखिया की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक मास्टरमाइंड संजीव मुखिया नहीं पकड़ा रहे हैं। नहीं, अब देखिए ये तो बहुत बड़ा मामला है और इसमें जांच करने वाली एजेंसियों का अपना जवाबदेही है जी। और जो भी दोषी होंगे निश्चित रूप से उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई। अंतिम सवाल रहेगा, लगातार थर्ड फेज की बहाली को लेकर डोमिसाइल नीति की अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की मांग करेगी? देखिए, एक बड़ी नीति है ये शिक्षा के संदर्भ में, और हमको लगता है कि एनडीए के सभी घटक दल आपस में विचार विमर्श करके और इस नीति पर अपना रुख स्पष्ट करेंगे। लगातार पुल धराशाही हो रही है बिहार में, कई सारी जगहों से तस्वीरें भी सामने निकल के आ रही है। उल्लास जी, क्या कहिएगा? नहीं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसी घटनाओं का स्वच्छ जांच करा के और जो भी दोषी पदाधिकारी हैं, जहां तक हमने देखा है कि राज्य सरकार ने उन पर FIR करने का निर्देश जारी कर दिया है, और जो भी इसके लिए दोषी हैं जिनके गलती के चलते राज्य का राजस्व का दुरुपयोग हुआ है और पुल धराशाई हुई है, बिहार की छवि बर्बाद हुई है, तो ऐसे लोगों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। देखिए, ऐसे लोगों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिनके वजह से पुल धराशाही हो रहा है। ऐसे में हुलास पांडे, लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुलास पांडे ऐसे में जमकर निशाना साध रहे थे, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से पुल गिर रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं यह दुखद घटना है, कहीं ना कहीं इसको लेकर जो सरकार है वो उन लोगों पर कार्रवाई करते हैं जिनके द्वारा उस पुल का निर्माण किया गया। ऐसे में हुलास पांडे ने यह साफ कहा है डोमिसाइल नीति को लेकर कहीं ना कहीं यह बड़ी नीति है और ऐसे में इसको लेकर सरकार कुछ निर्णय लेगी। जिस तरीके से जंगल राज पे सवाल खड़ा किया जा रहा है उसको लेकर जमकर महागठबंधन पर निशाना साध रहे थे हुलास पांडे, तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।